वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप अगर उसमें से कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके आप बाकी वीडियो को देख सकते हैं। कुल हम ऑर्थोग्राफिक से 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जिसे आप लोग सॉल्व ना किए हो, ठीक है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। 100 क्वेश्चन को ड्रा करके देखने की आवश्यकता नहीं है, जो सबसे अलग अलग क्वेश्चन हो, अलग टाइप के क्वेश्चन हो, उनको जो है करिएगा, जो एक तरीके का क्वेश्चन हो सेम टाइप का उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन कर लगेंगे तो बहुत ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन देख पूछ सब लीजिएगा, देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसका शेप जो है, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो अलग टाइप का है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इस साइड से क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये ऊपर से क्या है, टॉप व्यू है, और इस साइड से क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। तो इसे हम लोग बनाने वाले हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा और नीचे की साइड में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में क्या बनेगा, साइड व्यू, साइड व्यू इधर है और क्या बनाएंगे, इधर साइड व्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रा करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। ड्राइंग शीट पर हमने पहले से बना रखा है, अब हम लोग इसे ड्रा करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, यहाँ सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट व्यू, ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू क्या बनेगा, नीचे बनेगा, तो फ्रंट व्यू हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से, नहीं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो डायमेंशन देखते हैं, इसकी हाइट टोटल कितनी है, यहाँ ये तिरछा दिखाया गया है, लेकिन ये बीच से दिखाया जाना चाहिए था, कि तिरछा देगा तो ये फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह कितना एंगल दिया नहीं है, तीसरा तो ये वर्टिकल हाइट ही है, देखिए कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है 10 mm, और ये है 40 mm, और बाहर के जो रेडियस है वो कितना है, 15 mm, ठीक है, यानी कि 50, 60, 65 mm की हाइट पे ये होगा, ठीक है। यहाँ से 65 mm नीचे जो है एक लाइन खींच लेना है, देखिए 65 mm पे एक लाइन खींचना है इस प्रकार से, ठीक। अब यहीं से क्या करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले जब साइड से देख, जब फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला सरफेस हमको दिखाई देगा, ठीक है, और ये वाला पूरा सरफेस हमें दिखाई देगा, ठीक है। यही हम लोग को बनाना है फ्रंट से। तो देखिए ये इसकी हाइट कितना है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 mm है, फिर 10 है, फिर 100 है, इसको बनाना काफ़ी आसान है। तो करना क्या है, समांतर चेक करते हैं, करना क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से और 100 mm तक की लाइन खींच देनी है, ठीक है, 100 mm तक की लाइन खींच देनी है, उसके बाद ऊंचाई 10 mm, तो यहाँ से ही 10 mm मेजर कर लेना है, ये हो गया 10 mm, और यहाँ से 10 mm। पेंसिल का सही यूज़ करिएगा, वीडियो में पेंसिल दिखाई दे सकते हैं, हम डार्क पेंसिल का यूज़ करते हैं, आप लोग सही पेंसिल का यूज़ करेंगे, उसमें जेस पेंसिल या फिर बहुत करेंगे तो बी पेंसिल का इस्तेमाल कर लेंगे, इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम झुक के देखेंगे तो फिर वीडियो में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा है, झुक नहीं सकते हम ज़्यादा, क्योंकि हमारा सर ही उसमें वीडियो में आने लगेगा। देखिए स्ट्रक खींचा गया है, तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक 10 mm मिला देंगे, ठीक। अब क्या बन गया है, ये वाला हिस्सा बन गया है, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा बन गया है। अब यहाँ से 30 mm छोड़ना है, उसके बाद 40 mm नापना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना छोड़ना है, 30 mm, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 30 मार्क कर लीजिए, 30 के बाद 40, 70 पे ये हो गया, ठीक है। अब इसका हाफ कितना होगा, 40 का, 40 का हाफ 20 हो जाएगा, तो 20 पे मार्क कर लीजिए। क्यों मार्क किया गया है, क्योंकि यहाँ हाइट कितना लेंगे हम, 40 लेंगे, तो यहाँ पे 40 यहाँ रखिए, और फिर 40 mm यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे जो
अंदर का जो ये सर्किल है उसका डायमीटर क्या है, डाया है 8 mm का, ठीक है। और दो होल दे रखा है, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो डाया 8 mm का लेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 mm का, बहुत ही छोटा होल बनेगा। और बाहर की तरफ ये कितना है, ये है रेडियस 15 का, तो रेडियस लेना है कंपास में 15 mm का, ठीक है। 15 mm का क्या करना है, रेडियस लेना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से 15 mm नाप लेंगे पहले, जो कि 15 mm का रेडियस, ठीक। और इसको खींचेंगे कैसे, खींचने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप हल्का सा जो है इसका सेंटर खींच दीजिए, ये एच पेंसिल से काम करेंगे, बस बहुत हल्का सा जो है इस प्रकार से, ठीक है, एकदम सेंटर से खींचेगा। उसके बाद से इसी पर जो है इस प्रकार से इसको खींच लीजिए, ठीक। आप कंपास लीजिए, इसमें रखिए और हाफ सर्किल खींचना आपको, यहाँ से यहाँ पर रखिए और यहाँ तक, ठीक। इसके बाद क्या करना है, आपको स्केल लेना है, ये जो 40 mm पर हमने मार्किंग किया था इस पर इसको लाके मिला देना है, इस पर लाके मिला देना है, ठीक है। अब ये बन गया, अंदर वाले के लिए क्या करना है, डायमीटर कितना है 8 mm, तो क्या करना है 4 mm जो है 4 mm यहाँ पे मेजर करना है, 4 mm ये हो गया आपका 4 mm, ठीक है। अब क्या करना है, इधर यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बनेगा, इसको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। देखिए अब क्या बन गया, ये प्लेन बन गया और ये प्लेन बन गया और बीच में सर्किल बन गया है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, अगर तो यहाँ पर एक होल है और एक यहाँ पे होल है, ठीक है। ये जो होल है वो दिखेगा नहीं, साइड से दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें होल है तो इसमें डॉटेड आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर जाकर के टॉप व्यू बनाते हैं, और टॉप व्यू में जब आएगा तो उसका प्रोजेक्शन लेकर के यहाँ पे हम लोग इजीली बना लेंगे। इस चीज़ को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग टॉप व्यू की तरफ चलते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, सबका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, सभी का प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, एच पेंसिल का प्रयोग आप करिएगा, इस प्रकार से उसका प्रोजेक्शन, इस प्रकार से सबका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये प्रोजेक्शन यही लाइन जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को ही प्रोजेक्ट कर लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक। इसके बाद से इस पॉइंट को भी प्रोजेक्ट कर लेंगे ऊपर की तरफ, और इसके सेंटर को भी हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक। और कोई पॉइंट बच रहा है, अब चाहें तो इसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, काम पड़ेगा तो आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, 50, तो कहाँ बनेगा, इस पॉइंट से यहाँ से एक 50 का बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स हम लोग को ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 100 mm है, कितना है 100 है, जो कि यहाँ पर खींचा ही गया है, इसी को हम लोग को क्या करना है, डार्क कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, 50 है, तो 50 करना है, यहाँ से यहाँ तक 50 है तो 50 खींच लेना है, यही 50 यहाँ पे भी खींचना है, ये हो गया। क्या करना है, इसको आपस में मिला देना है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, अब इस वाले हिस्से को बनाना है। अब 50 यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 mm है, तो अगर 50 से बीच से एक लाइन खींच दिया जाए तो इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर निकल सकता है। तो हम लोग क्या करना है, हल्का सा हेल्पिंग लाइन खींचनी है, 50 है, आधा कितना हो गया, 2.5 हो गया, यहाँ पर रख करके एकदम हल्की पेंसिल से इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 8 mm की दूरी पर, कितना 8 mm की दूरी पर इसका सेंटर है, 8 mm की दूरी पर इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से 8 mm की दूरी पर इसी को बना लेते हैं,
यहाँ से 8 mm दूरी पर है, यहाँ खींचेंगे तो कितना हो गया 10, 9 और ये 8, यहाँ पॉइंट कर लीजिए और यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। एक सेंटर यहाँ मिल गया, दूसरा सेंटर कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 8 और यहाँ पे इसको खींच दीजिए, दोनों का सेंटर मिल गया। और डायमीटर कितना है, 6 mm का डायमीटर है, यानी 3-3 mm का डायमीटर लेकर के यहाँ पर छोटा सा साइकिल बनेगा, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। डायमेंशन पे जाइएगा ही नहीं, कितना बड़ा बन रहा है, हमारा बहुत छोटा बन गया गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस डायमेंशन पर रहिएगा, चाहे छोटा बड़ा चाहे बना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं, इसके बाद इन दोनों को टॉप व्यू से जब देखेंगे तो क्या बने दिखाई देगा, ऊपर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, दिखाई देगा और टॉप से ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, कंपास में 3 mm का जो है डिस्टेंस लेते हैं, जो कि काफ़ी छोटा डिस्टेंस है। आपके पास इंजीनियरिंग कंपास में एक छोटा सा कंपास होगा, उसका प्रयोग आप करिएगा, ठीक है। ये था 3 mm, 3 mm का सर्किल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। एक छोटा सर्किल बन गया और यहाँ पे जिसका डायमीटर कितना जाएगा, 6 mm, यहाँ पे एक सर्किल बन गया, ठीक। अब क्या करना है, अब ध्यान देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 mm है, यानी यहाँ पर रख के 6 mm उधर और 6 mm इधर, देखिए यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, तो 6 mm इधर और फिर 6 mm इधर, ठीक। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ये पूरी लाइन 40 mm खींच देनी है और ये 40 mm पूरी खींच देनी है, लेकिन क्या है, कितनी मोटाई इसकी, 8 mm है, ठीक है। हमको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये खींचना है और फिर 8 mm पे ये कितना है, 10, 9 और ये 8 mm, ठीक है। 8 mm पर दूसरी लाइन खींच देनी है, इसी प्रकार से यहाँ पे खींचना है और फिर 8 mm पे जो हो गया 10, 9 और ये 8, ठीक है। ऊपर खींचना है ना, इसके ऊपर खींचना है, ठीक। ये हो जाएगा 8 mm यहाँ और फिर इसको खींच दिया जाएगा, इसको आपस में मिला दिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये टॉप से दिखाई देगा, जब टॉप से आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ दिखाई देगी, जब टॉप से देखेंगे तो ये ऊपर का हेड और ये चीज़ जो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगी। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, कि ये जो सर्किल बना है वो टॉप से देखने पर दिखाई नहीं देगा, जब ऊपर देखेंगे तो सर्किल दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर कटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डॉटेड आएगा। तब क्या करना है, इस पॉइंट को जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से इसको भी प्रोजेक्ट कर लेना है, और जो इसके अंदर का हिस्सा आ रहा है उसको डैश डैश लाइन से एंड डॉटेड लाइन से आपको शो कर देना है, इस प्रकार से आपको शो कर देना है। तो ये बताता है कि इसके अंदर अंडरकट है, मतलब कि होल है, ठीक है, इस तरीके से। सेम इसी प्रकार से ये इस सर्किल का जो है हिडन लाइन द्वारा इसमें भी शो होगा, जो हमने अभी आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, इसका जो सेंटर लाइन यहाँ पर ले आना नीचे की तरफ, उसके बाद इसके साइड की लाइन को उधर लाना है और इसके यहाँ प्रोजेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसको भी करना है यहाँ पे, और फिर ये सारा प्रोजेक्शन लेने का काम जो है आप पेच पेंसिल, लाइट पेंसिल का प्रयोग करते हुए करिएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसे हिडन लाइन के थ्रू दिखा देना है, यानी कि डैश डैश लाइन के थ्रू इसको दिखा देना है, डैश डैश लाइन के थ्रू यहाँ पर दिखा देना है, यहाँ दिखा देंगे और फिर यहाँ पर इसको दिखा देंगे, यहाँ पर इसको दिखा देंगे, ठीक है। और इसमें बीच में सेंटर लाइन दिखा लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर भी इसको बीच में सेंटर लाइन दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू, यहाँ लिखते हैं फ्रंट व्यू, और ये हमारा बना हुआ है टॉप व्यू, ठीक है। इसमें कोई काम बाकी नहीं रह गया है, बस डायमेंशन शो करने के अलावा। अब हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। साइड से देखेंगे
क्या बनेगा। साइड व्यू बनाने के लिए क्या करना है हमको, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, किधर लेंगे, साइड में, यहाँ पर साइड व्यू बनना होना है, इधर की तरफ क्या लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, इधर प्रोजेक्शन लेंगे, इधर प्रोजेक्शन लेंगे, और ये जो पॉइंट आया है इसका भी प्रोजेक्शन इधर लेंगे, ठीक है। ये इसमें टच होना चाहिए था, मेजर किया गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें इरर है, इसका भी प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे ताकि अब जो है ड्राइंग एकदम एक्यूरेट बने, ठीक। अब क्या है, अब सारे प्रोजेक्शन इधर से जो जाने वाले थे वो आ गए। अब हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग कहाँ तक लेंगे, बीच वाली लाइन तक लेंगे, इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे लेकिन बीच वाली लाइन तक लेंगे, जैसे कि इसका प्रोजेक्शन बीच वाली लाइन तक है, अब इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे बीच वाली लाइन तक, ठीक, और इसका प्रोजेक्शन बीच वाली लाइन तक, और इसका प्रोजेक्शन इस बीच वाली लाइन तक, इसका प्रोजेक्शन बीच वाली लाइन तक, जो भी पॉइंट आपको मिलता है सबको प्रोजेक्ट कर लीजिए बीच वाली लाइन तक, ना ही यहाँ लाख रोकना है ना ही यहाँ लाख रोकना है, बीच में ही लाख रोकना है, ठीक है। सारे पॉइंट प्रोजेक्ट हो गए, अब क्या करना है, MD को आपको 45 डिग्री पे सेट करना है, ठीक है, 45 डिग्री पे हम लोगों ने सेट कर लिया है, ठीक, 45 तो सेट हो गया। अब हर एक पॉइंट को इसके बीच वाले तक ले आना, जैसे कि इस पॉइंट को ले आएंगे तो यहाँ तक ले आएंगे, और इस पॉइंट को लेके आएंगे तो यहाँ तक, ठीक, इस पॉइंट को लेके आएंगे इस बीच वाली लाइन तक, इस पॉइंट को ले आएंगे इस बीच वाली लाइन तक, इस पॉइंट को ले आएंगे इस बीच वाली लाइन तक, और इस पॉइंट को लाएंगे इस बीच वाली लाइन तक, और फिर इस पॉइंट को ले आएंगे इस बीच वाली लाइन तक, सबको प्रोजेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, सबको वर्टिकली नीचे लाना है, ठीक है, सबको वर्टिकली नीचे ले आना है। तो ये तो पहले से नीचे आया हुआ है, बाकी को क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री ना लेकर के आप कंपास का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक लाने के बाद कंपास सेंटर पर रख कर के सबको घुमा करके भी ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सब पॉइंट मिल गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब साइड से देखेंगे तो ये वाला प्लेन दिखाई देगा, ये वाला प्लेन कितना है, 50 है, और यही 50 यहाँ पे घूम करके आया हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो नीचे वाला जो दीवार है या सरफेस है वो यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या दिखाई देगा, जो फ्रंट जब साइड देखेंगे तो ये दिखाई देगा, बन गया, और कुछ नहीं, बस ये और ये दिखाई देगा जो 8 mm की हाइट पे है, 8 mm की मोटाई पे है। तो ये वाला हिस्सा जो घूम करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, वो कहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तक दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको डार्क कर लेना है इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको इस प्रकार से, ठीक। और दूसरा वाला भी दिखाई देगा, दूसरा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है जो कि यहाँ पे आया हुआ है, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे इस प्रकार से डार्क कर लेना है। जब प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं तो इसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ है जो दिखाई देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो हमको साइड में दिखाई देगा, बशर्ते जो होल है इसके अंदर, इधर देखेंगे दिखाई नहीं देगा लेकिन इसके अंदर होल है तो डॉटेड आएगा, यानी इसका भी प्रोजेक्शन ले आके इसमें हम डॉटेड दिखाएंगे। तो आइए प्रोजेक्शन ले लेते हैं, अब जो है प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन हो गया। अब इसी को क्या कुछ कुछ नहीं करना है, इसमें हिडन लाइन इसमें शो कर देना है, ठीक है, यहाँ पर भी हिडन लाइन शो कर देते हैं और यहाँ पर भी हिडन लाइन को शो कर देते हैं, ठीक। और ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया साइड व्यू, ठीक है।
ये ड्राइंग पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो गया है। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो बचता है, इसमें डायमेंशन को शो करना है। पिछले सारे वीडियो में हमने क्या किया है, डायमेंशन को शो करके बताया है किस प्रकार से डायमेंशन को आपको शो करना है। तो इस वाले में ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें खुद से आप डायमेंशन को शो करिएगा ताकि आप खुद से भी सीख सकें डायमेंशन किस प्रकार शो करना है। ठीक है, तो डायमेंशन को शो करके कम से कम एक बार इसको बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, तभी आपको ये अच्छे से बनाने आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आप कम से कम 50 में से 20 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करिएगा, ताकि जो है आप सीख पाएँ किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल का यूज़ देख रहे होंगे, कहीं हल्का है कहीं गाढ़ा है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। कि हमने गाढ़े पेंसिल का इस तरह यूज़ किया है ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे। ठीक है, अगर वीडियो में दिखाई नहीं देगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसको जो है आप बी पेंसिल से बना सकते हैं, बनाना चाहिए एच बी से बनाना चाहिए, लेकिन आप बी पेंसिल का यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा डार्क दिखाई देगा, तो उसे ड्राइंग आपकी जो है सुंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो आप बी पेंसिल का यूज़ करिएगा। प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नटराज पेंसिल या फिर आप एक्स्ट्रा डार्क अप्सरा की पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम भी कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम में अगर अच्छा एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करने पहुंच जाएगा और आपकी कॉपी उसके हाथ लग जाएगी तो नंबर काट देगा। हम ही खुद काट देते हैं बच्चों का नंबर। तो आप अच्छे से पेंसिल का यूज़ करें, जहां हल्के पेंसिल का यूज़ करना है यच पेंसिल का यूज़ करना है और यच पेंसिल का यूज़ करें, और जहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है वहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज़ करें। सही पेंसिलों का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से जब आप भी खुद ऑब्जेक्ट लाइन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी दिखेगी। ड्राइंग सही बनने के साथ साथ सुंदर और स्पष्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं सही बनाए हैं और उसको गोंज गाँज के एकदम ख़राब कर दिए हैं, ठीक है, मिटा मिटा के बनाए हैं, तो ये से ड्राइंग नहीं चाहिए। ठीक है, ड्राइंग एक बार में बनी होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसे बहुत बार ओवर वर्क नहीं किया जाना चाहिए। पेंसिल चलाने का तरीका ये है कि एक बार बस खींचना है, दो बार या तीन बार ऐसे ऐसे नहीं खींचना। अगर ऐसा करते हैं तो ड्राइंग इसका मतलब आपको बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ड्राइंग को सीरियस लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का यही बेस है। ठीक है, अगर ड्राइंग नहीं जानेंगे तो कोई भी ड्राइंग आप पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे आप मैकेनिकल से हुए, चाहे सिविल से हुए, चाहे इलेक्ट्रिकल से हुए, किसी भी ब्रांच से हैं, सबका बेस जो है ड्राइंग ही है। इंजीनियरिंग का बेस ड्राइंग ही है। कुछ भी आप प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ड्राइंग ही बनाना होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन जो सॉल्व करा है उसको समझ में आ रहा है। अगर कोई सजेशन है तो उसको दीजिए, और आपके साथ जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ जो है वीडियो को जरूर से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।